देखो दोस्तों, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेले जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अकेले घूमूंगा। बस कहाँ घूमूंगा मैं बताऊंगा, ठीक है। सोलो ट्रैवलिंग क्या है सुन में, लेकिन बोलेगा मैं सोलो ट्रैवलिंग। सोलो ट्रैवलिंग शेर अकेले आता है, ठीक है, और मैं अकेला जा रहा हूँ। अरे लेकिन मैं पीछे कोई तो दिख रहा है, कौन है भाई साहब? हाँ मैं भी आ रहा हूँ, साथ में जाते हैं। ये कौन है भाई? मैं भी चल रहा हूँ भाई, गोवा में भी चल रहा हूँ। देखे अकेले निकलो तो साथ देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, सबको मैंने ब्लर कर दिया ऐसे। ये मारो इसको, मारो इसको, मारो मारो। देखे देखे मारो जोड़ी करे से बैग। Guys, हम पहुंच गए हैं LTT लोक माने तिलक। अच्छा वहाँ चलो, कौन कौन है यहाँ पे देखो। ये इतना घटिया कैमरा क्यों है भाई मोबाइल का, पता नहीं ले ना इनका चलता। अरे ये उल्टा दिख रहा लोक माने तिलक। हेलो गाइस, अभी हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं और ये देखो मेरा शक्ल इस मोबाइल के अंदर बहुत अच्छी आ रही है। मैं अभी फ़ोन पे बात कर रहा था लेकिन अचानक से फिर मेरे को यार दिमाग में आया कि वीडियो बनाना है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले सब लोग बैठ गए हैं अपने अपने जगह पे, किसी का पता नहीं किसका कौन सा नंबर है लेकिन सब बैठे ठीक है। चलो अभी निकल चुके हैं तो अभी थोड़ा बातचीत कर लेते, उसके बाद आपसे मिलेंगे। बाय बाय। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं गोवा। ये हमारी पीछे ट्रेन खड़ी है और सब लोग अपने अपनी जगह पे इधर फोटो खिंचा रहे हैं सब लोग, और घूम रहे हैं मस्त में। अभी जस्ट पहुंचे हैं, फुल मज़े। अभी तो देखो जाने के बाद पता चलता है क्या क्या करने वाले हैं गोवा में, मज़ा आएगा। जो भी करेंगे दिखाएंगे, अलग ही मज़ा आएगा, स्वाद आ जाएगा ज़िंदगी में स्वाद। ठीक, ये देखो इधर सब फोटो खिंचा रहे ले और अपन चल रहे ले अभी आगे। अपन जिधर मतलब रहेंगे, कहाँ रहेंगे पता नहीं। दोस्तों हम लोग मडगांव स्टेशन के बाहर हैं, यहाँ पे हम लोग रेंट पे बाइक ढूंढ रहे हैं और ये सब बात हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं। तो तीन गाड़ी का भाड़ा बोल दिया। चलो कोई नहीं, बाइक का बोल रहे हैं कि किसका बोल रहे हैं? बाइक का बोल रहे कि स्कूटर का? बाइक का कितना बोल रहे? बाइक का तो छपरा फाड़ बोले, छपरा फाड़ बोले। चलो फिर जाना किधर है? नॉर्थ गोवा। बर्थडे फायर। एक बाइक का तो 1500 तो एक दिन का हो गया भाई। बाइक का सिर्फ तीन बाइक लेंगे तो पता है ना भाई उधर ही जाएंगे। हाँ दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हम लोग को गाड़ी मिल ही गई और हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं। और गूगल मैप पे देखा तो 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो फुल थकावट होने वाली है अभी हमारी। अरे माई रे भैया हो बाबू, वो हालत एकदम खराब सी हो गई है। 1-1.5 घंटे से ऐसे बैठे हुए हैं। वैसे देखिए बहुत अच्छा व्यू है, किनारे किनारे एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है, एकदम क्या बताएं, एकदम क्लास लग रहा है। मतलब पहाड़ों को हटा दे तो जैसे लग रहा है हमारा गाँव ही है। मतलब बहुत सही सीन है, बहुत व्यू है, देख रहे हो आजू बाजू में। मतलब इधर गटर बह रहा है, उधर गंगा जी बह रही है, ऐसा भी हमारे गांव की तरह ही है, पूरा गटर का पानी गंगा जी में जाता है। क्या बताएं, अच्छी बात तो नहीं है, वैसे नहीं होना चाहिए ऐसे। हाँ ये देखो खा रहे हैं, एकदम कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गोवा में तो पहली बार ही आए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत बार आ चुके हैं, नहीं मालूम क्यों। ये जो खुशबू है ना गाँव वाली, वो यहाँ से बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है हमको। ये देखो सामने एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिज दिख रहा है, ये भी गांव में नहीं है हमारे गांव में। नहीं गोवा बहुत डेवलप्ड हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, जितना सुने थे उससे तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन सही बता रहे हैं, थक गए हैं सुबह से, दोपहर हो गई भाई घर नहीं पहुंचे। ये देखो ब्रिज कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। देखो यहाँ से दिखा रहे हैं, रुके हैं हम लोग चाय पानी के लिए, 1.5 घंटे से चल रहे हैं अभी हम लोग को, और 45 मिनट लगेगा घर पे जाने के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखेगा तुमको किंग फिशर, क्या है किंग फिशर। रंग लगाओ मुझे भी बोला अंकल आएंगे रंग लगाएंगे। गोवा की होली अभी दोस्तों, ये पब्लिक है, मतलब वीडियो नहीं बना पाया लेकिन बहुत मस्त व्यू था, इतनी पब्लिक होली खेल रही थी बता नहीं सकता। मुझे आगे देख, आगे व्यू था। चलो 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 आइए। देखो सामूहिक होली, यहाँ पे कोई नहीं बचा है, सबने होली खेला है एक दूसरे के साथ।
सही दिन पे आया या गलत दिन पे? सही दिन पे लेकिन गलत जगह गए। गलत जगह गए। अपने को थोड़ा भी अंदाजा होता है फेस्टिवल के लिए हो रहा है तो फिर अपन जाते हैं। फोर व्हीलर भाई, ये इतना गाड़ी आया था इतना तो चला गया और अपन वहाँ से निकले तब से पब्लिक को देख रहे पब्लिक आई नहीं है मतलब फेस्टिवल के लिए। 200 meters, your destination will be on the right. दोस्तों देर है दुरुस्त है, आखिरकार हम लोग उस एरिया में पहुंच ही गए जहां हम लोग रहने वाले ही है। वो एरिया देखो बहुत अच्छा अच्छा है और यहां पे हम रहने वाले हैं। अभी जा रहे हैं देखने के लिए घर कौन सा अच्छा रहेगा, कौन से घर के लिए बात किए हैं पता नहीं, लेकिन दिखने में तो मतलब लग रहा है ये है गोवा। समझ रहे, रंग बिरंगे घर और सफेदी की चमका एकदम क्लास दिख रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? ये है आम बताए, मतलब गांव वाला आया एकदम फीलिंग। ये मत कर भाई, ये मत तोड़ मत तोड़। मतलब इन आमों को देख के ना भाई सही बता रहे हैं तो एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में बचपन में गांव में कच्चे आम ऐसे खा जाते थे भूज के उसको आग में एकदम मस्त उसका रस वस बना के गर्मी के टाइम में पी के एकदम मंद मस्त एकदम पेट एकदम ठंडा हो जाता था, रस वस बना के पीते थे उसको, बोलते थे गांव में हमारे पन्ना। बहुत सही चीज था। हम लोग जा रहे हैं अभी कौन सा बीच है? अंजुना बीच है। अंधेरी रातों में गोवा के बीचों पे पार्टी करने का मजा ही अलग है। तो दोस्तों आ गए हम लोग बागा बीच पे और ये बीच जो है रात को इतनी खूबसूरती से सजता है जैसे मानो कि दुल्हन सजी हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आज हमारे यहाँ पे रात का खाना पीना होने वाला, सॉरी बस खाना होने वाला, पीना नहीं। यहाँ पे चल रही है पार्टी लेकिन गाने की वजह से मैं करूँगा आवाज़ को बंद, आप यू एंजॉय करो।